हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ द कुछ बेसिक डिफिनेशंस देखी थी। उसमें डेंसिटी था, कुछ टेम्परेचर था और कुछ प्रोसेस थी, स्टेट्स थी। उसका एक बेसिक ग्राफ और कुछ बेसिक डिफिनेशंस हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। ओके, सो जो हमने जो पिछला ग्राफ देखा था या पिछला जो स्लाइड देखी थी, ओके, क्या थर्मोडायनामिक स्टेट प्रोसेस एंड पाथ वाली, ओके, उसमें हमने स्टेट को डिफाइन किया था, प्रोसेस को डिफाइन किया था, पाथ को और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हमने उसको डिफाइन किया था कि व्हाट इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और वो होती क्या है, वो कैसे हैपन होती है। ओके, तो प्रोसेस जनरली होती क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट तक जाने का जो एक हम बोल सकते हैं उसको रास्ता बोल सकते हैं, रास्ता वी कैन से दैट्स अ प्रोसेस। ओके, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है। ओके, मतलब स्टेट ए टू स्टेट बी, स्टेट वन टू स्टेट टू, ऐसा। ओके, सो ये जो प्रोसेस होती है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। ओके, यू कैन, आपको जो पूरा इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स है उसमें आपको नंबर ऑफ प्रोसेस मिलेगी। ओके, तो वो जो नंबर ऑफ प्रोसेस होती है उसका एक जस्ट टाइम एक ओवरव्यू लेंगे। ओके, जो आगे आने वाले चैप्टर्स है, जैसे आइडियल गैसेस वगैरह जो आएंगे चैप्टर्स, उसमें हर एक प्रोसेस को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोसेस, उसको प्रोसेस कैसे कंडक्ट की जाती है, क्या है। ओके, सो हम जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते कि क्या होता है प्रोसेस। ओके, थर्मोडायनामिक साइकिल्स उसको, तो वो जो प्रोसेसेस होती वो जब एग्जीक्यूट की जाती है, ओके, क्या वो जो प्रोसेसेस होती है जब वो एग्जीक्यूट की जाती है, मतलब उसको जब एग्जीक्यूशन में लाया जाता है तो उनसे साइकिल्स बनती है। ओके, साइकिल्स बन, नंबर ऑफ प्रोसेस मिल के। ओके, तो इसके हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम थर्मोडायनामिक स्टेट। क्या थर्मोडायनामिक साइकिल इज सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस that begins and end at the different thermodynamic state। मतलब क्या, this is a sequence of number of process। okay, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, सिर्फ एक प्रोसेस देखी थी, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक एक प्रोसेस एक के पीछे एक ऐसे हैपन होती जा रही। ओके, तो साइकिल मतलब क्या, एक साइकिल हम बोल सकते हैं कि एक गोल राउंड, जैसे शुरू हुआ था वही से ही ख़त्म होगा आपके। ओके, मतलब क्या, हम बोल सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस, अगर सर्कल को ले, जहाँ से शुरू होता है सर्कल वही ख़त्म हो जाता है। ओके, मीन्स क्या, सर्कल देखो ऐसा क्लोज सर्कल होता है, बराबर। ओके, तो हम ये अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे जाना, तो यहाँ से ऐसा जाएंगे और फिर वही प्रोसेस आएंगे, मतलब कि एक साइकिल हुआ है। क्या, ये जो पॉइंट हुआ है साइकिल हुआ। ओके, आए ध्यान में, मतलब क्या साइकिल का मतलब क्या होता है, उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट बोथ आर द सेम। ओके, गॉट इट। साइकिल में क्या होता है, थर्मोडायनामिक साइकिल में, कि उसका इनिशियल थर्मोडायनामिक पॉइंट और फाइनल थर्मोडायनामिक पॉइंट ये सेम होता है। ओके, दैट्स द साइकिल। ओके, और जो ये साइकिल होती है उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती है, उसमें एक प्रोसेस हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, दस हो सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है हमारे एग्जामिनर क्या देता है उसके। सो इट्स डिपेंड अपॉन एग्जामिनर क्या है, वो क्या देता है, कितनी प्रोसेस देता है, कैसे उसको स्केचअप करने के लिए बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो हम जनरली देख लेते हैं कि जो प्रोसेस होती है वो कौन कौन सी होती है। आपको ये पूरा अगले इसमें जो चैप्टर्स आने वाले या जो न्यूमेरिकल, जनरली न्यूमेरिकल जो आने वाले, ये पूरे इन प्रोसेस पे डिपेंड रहेंगे। ओके, इस प्रोसेस का हम आगे ग्राफ भी देखेंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसका फार्मूलीज क्या है, नंबर हर प्रोसेस के अलग फार्मूलीज होते हैं। ओके, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। अभी सिर्फ इस लेक्चर में हम, या इस यूनिट में जो पहला यूनिट चल रहा है हमारा, उसमें सिर्फ हम यही देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, नंबर क्या, प्रोसेस को किस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे इसको, ज़्यादा कुछ नहीं। आगे जो आने वाले लेक्चर से, जैसे आइडियल गैस, उसमें हम पूरा एक एक प्रोसेस का फार्मूली वाइज पढ़ेंगे, उसका डिटेल्स देखेंगे क्या है, हम उसको फार्मूली कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो हम इसमें सबसे पहला अभी प्रोसेस देखते हैं, वो है हमारा आइसोथर्मल। ओके,
आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब उसको आप इसी ध्यान में रखना है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, गॉट इट? क्या आइसोथर्मल प्रेशर में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, आइसोबैरिक प्रोसेस में उसको जो बोलते हैं आइसोबैरिक, उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या क्या आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है? सी, आइसोथर्मल प्रोसेस को बोला जाता है, दूसरा नाम है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर, गॉट इट? और जो सेकंड वाला आता है, क्या आइसोबैरिक प्रोसेस, उसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मींस उसमें प्रेशर जो टर्म होता है वही कांस्टेंट होता है, गॉट इट? ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। देखो दोस्तों, आपको एंट्रोपी का कंसेप्ट अभी पता नहीं है क्या है, ओके? वो आगे इस चैप्टर में जो लास्ट में एंड में आएगा तभी एंट्रोपी का कंसेप्ट आता है, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ अभी इस पॉइंट पे आपको यही ध्यान में रखना है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और इसी का दूसरा नाम है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस उसको बोलते हैं। ओके, और उसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को दूसरा नाम है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, उसमें क्या होता है, जो एंट्रोपी नाम का जो हमारा टर्म्स होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है एंट्रोपी वगैरह, आगे सब आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ओके, इसको दो नाम है, आइसोकोरिक कहीं बोला जाता है आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ओके, क्या आइसोकोरिक कहीं बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, गॉट इट? क्या होता है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है? सी, यहाँ देख सकते हैं आप, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब इसका दूसरा नाम उसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें हीट ट्रांसफ़र जीरो रहेगा, कीप डिफरेंस, यहाँ वर्क ट्रांसफ़र जीरो नहीं रहता है। क्या यहाँ वर्क ट्रांसफर जीरो नहीं रहता है, सिर्फ हीट ट्रांसफर क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं हम एडियाबेटिक। क्या क्यू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल, इसको ही बोलते हैं हम एडियाबेटिक। सी, एनर्जी दो फॉर्म में क्रॉस होती है, मतलब सिस्टम से अंदर या बाहर जा सकती है, पहला फॉर्म होता है हीट और दूसरा होता है वर्क। सो एनर्जी जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, इन दैट प्रोसेस जो हमारा वर्क होता है वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है बट हीट क्रॉस नहीं कर सकती। आपको एक बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना होगा, क्या हीट क्रॉस नहीं कर सकती, गॉट इट? एंड देख, हमारा लास्ट वाला एक प्रोसेस आता है थ्रोटलिंग प्रोसेस, उसको ही हम बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। क्या थ्रोटलिंग प्रोसेस का ही दूसरा नाम है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आगे सब आपको डिटेल में आएगा, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या है। थ्रोटलिंग प्रोसेस का जो मतलब की पॉइंट है उसमें क्या बोल सकते हैं हम, उसका जो एंथैल्पी होता है, क्या उसका जो एंथैल्पी होता है वो कांस्टेंट रहता है, बट उसका जो एंथैल्पी होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, तो आगे हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको एग्ज़ाम में दरअसल पूछा जाएगा, मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इनका डिफरेंस बताइए। क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इनका डिफरेंस भी सही, दिस इज वन ऑफ द हम बोल सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, और आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको जरूर काम में आएगा कि क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, देखा, तो पहले हम पूरा पॉइंट देखते हैं। पहला वाला ये रिवर्सिबल प्रोसेस का, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिस्टम इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या सी, अभी ध्यान में रखिए। ओके,
कोई तो भी हम एक प्रोसेस ले लेते हैं ऐसा, गॉट इट। यहाँ से पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है, ये वाला पॉइंट टू है, ओके गॉट इट। तो ये वन से टू जा रहा है, ओके। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब होता क्या है, अगर वो वन से टू जा रहा है, ओके, तो इनिशियल पॉइंट, ओके, सो जब भी वो फिर से टू से वन आएगा, गॉट इट, क्या जब भी वो फिर से टू से वन आएगा उसकी वजह से सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आया ध्यान में कि देखिए, अगर वो सिस्टम वन से सिस्टम सॉरी स्टेट वन से स्टेट टू जा रहा है तो उसी टाइम में भी सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ओके। दैट्स द इक्विलिब्रियम प्रोसेस बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को। ज़्यादा वो ट्रेस जो मतलब उसका जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है उसका कोई जो होता है ना वो फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है वो, ओके। मतलब क्या, इसको कोई पीछे मतलब हम कह नहीं सकते कि यह प्रोसेस एकदम स्लोली होता है और इक्विलिब्रियम में ही होता है, ओके। सो और रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होता है, जब भी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है वो कुछ ना कुछ पीछे ट्रेस छोड़ जाती है, मतलब कुछ ना कुछ हम उसको हम बोल सकते हैं कुछ ना कुछ हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ है इससे और प्रोसेस को हैपन हुई। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या रहता है कि सिस्टम प्रोसेस एकदम स्मूथली होती है और उसका कोई भी हम उसको कोई बोल सकते हैं कुछ एडवर्स इफेक्ट सिस्टम पे या पूरे जो सराउंडिंग होती है उस पर नहीं होता है। बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ जो स्ट्रेस है वो आपको दिखता है, गॉट इट। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आइडियल प्रोसेस है, इसको हम आइडियल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ओके, क्या आइडियल, आइडियल। और ये जो वाली है रियल वाली प्रोसेस है, क्या आया ध्यान में, ये वाला आइडियल प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब वो कभी हैपन नहीं होता है ऐसा ज़िंदगी में, और ये वाला रियल वाला प्रोसेस है, ओके गॉट इट, वाला रियल वाला प्रोसेस है, गॉट द पॉइंट, ओके। सो आगे इसमें आपको एक ही ध्यान में रखना है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन वो हैपन होती नहीं है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम समझ लेते हैं कि यस दैट्स हैपनिंग, ओके। सो अब इतना ही पॉइंट है इसमें रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस में। आगे का जो टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हम देखते हैं अभी क्या है, ओके। सो एक आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला ग्राफ दिख रहा होगा, ओके। जो हम प्रोसेस को शो करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि ये वाली प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है और जो दूसरी भी प्रोसेस दी हुई है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। ये आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल है कौन सी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ओके, गॉट दैट पॉइंट। तो इसके पहचानने के लिए एक ट्रिक है, मैं आपको एक बताता हूँ। जो प्रोसेस अगर कंटिन्यूस लाइन में दिया हुआ है, बराबर, कंटिन्यूस लाइन में, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, ओके। और जो प्रोसेस ऐसे डॉटेड लाइन में दिया हुआ है, ऐसा डॉटेड, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, ओके। मतलब क्या है, या ये जो बी वाला पाथ है ना ये इरिवर्सिबल होता है जो डॉटेड लाइन में दिया है, और जो कंटिन्यूस पाथ है दैट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, गॉट इट। क्या जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो डॉटेड लाइन पे शो करते हैं, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस है कंटिन्यूस लाइन पे शो करते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, वो पॉइंट्स लिखने को, और आप ये पॉइंट भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कंटिन्यूस लाइन में शो करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन में शो करते हैं, ओके, गॉट इट। बस इतने इसमें इतना ही कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ उसमें देखना नहीं है, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा अभी हीट, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, उसमें बोलते हैं हम इसको हीट एंड वर्क, ओके। सो हम अभी देखते हैं कि हीट क्या होता है, ओके। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज जनरली फ्लो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, क्या
टेम्परेचर डिफरेंस, ये वाला जो वर्ड है टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों हीट फ्लो ही इसलिए होती है कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो मतलब क्या, ए एक बॉडी है ए, एक बी बॉडी है, ओके व्हाट इज, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज, तो हीट ए से बी यहाँ जाएगी, क्या हीट ए से बी यहाँ जाएगी, आपको ये ध्यान में रखना है। मतलब आपको एक सिंपल ध्यान में रखना है, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा उससे निकल के हीट कम टेम्परेचर वाले में से जाएगी, क्या जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा हीट वहाँ से निकल के कम टेम्परेचर वाले के तरफ जाएगी। दैट्स द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर, गुड इट, ओके। सो जो हीट है उसको हम मेजर करते हैं जूल में, जूल, गुड इट, जूल में, और वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन मीटर, एक सिंपल कन्वर्जन है, आप उसको लिख के रखिए आपके नोटबुक में, ओके। एंड हम जो एक TS डायग्राम नाम का कंसेप्ट है मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है वो, उससे पहले देख लेंगे कि अगर सिस्टम में हम हीट ऐड कर रहे तो पॉजिटिव होता है, और सिस्टम से हीट अगर निकाल रहे तो नेगेटिव होता है, क्या व्हाट व्हाट, कि अगर सिस्टम में अगर हम हीट ऐड कर रहे तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और सिस्टम में से अगर हम हीट निकाल रहे हैं दैट्स नेगेटिव। देखो ये जो साइन कन्वेंशन है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा, तब आपको या आप सिर्फ यही देखना है कि अगर सिस्टम में हीट अगर ऐड कर रहा है Q1 तो पॉजिटिव आएगा, सिस्टम से हीट अगर रिमूव हो रहा है Q2 तो निगेटिव आएगा, यही आपको ध्यान में, क्या सिस्टम में अगर हीट ऐड हो रहा है दैट्स अ पॉजिटिव, सिस्टम में अगर हीट सिस्टम से अगर हीट रिमूव हो रहा है दैट्स अ निगेटिव, गॉट इट, ओके, आपको ये ध्यान में आएगा। तो जो कंसेप्ट होता है आज के लिए बस इतना ही देखते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा वो जमने वाला कंसेप्ट है, और आपको ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है, मैं फिर से बताता हूँ, हीट अगर सिस्टम में ऐड हो रहा है दैट्स अ पॉजिटिव, एंड देन इफ द हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सिस्टम से अगर हीट कम हो रहा है या निकल रहा है तो उसको हम निगेटिव लेते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज हमको कब होगा, कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे, क्या जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तब इसका साइन कन्वेंशन बोलते हैं, इसको साइन कन्वेंशन का यूज़ होने वाला है हमको उस न्यूमेरिकल में, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान में आना चाहिए, ओके। और बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हीट फ्लो के क्योंकि किस वजह से होती है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जैसे बेसिक पॉइंट रहेगा उनका, तो आप ये ध्यान में रखिए, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1868 जूल, ओके, ये आपको वैल्यू सब ध्यान में रखनी है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1868 जूल, क्या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1868 जूल, ओके। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, हम रुक जाते हैं, देखेंगे अभी अगले लेक्चर में।